हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। तो प्रीवियस 2 साल हो गए जब से मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हम नीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कौन सी बेस्ट बुक है, सर हम हिंदी मीडियम हैं या फिर मैं बंगाल से हूँ, वहाँ की अलग लैंग्वेज है, तो क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा क्या नीट एग्ज़ाम में कोचिंग करना कंपलसरी है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके हर एक डाउट क्लियर करूंगा बहुत ही सिंपल शब्दों में, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए, जिससे आप प्रिपरेशन कर फर्स्ट अटैम्प्ट में डॉक्टर बन पाएँ। अब ये वीडियो उनके लिए भी जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, चाहे वो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर 12th के हैं, या वो बच्चे जो नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 12th क्वालिफाई हो चुके हैं, BSc कर रहे हैं, तो ये वीडियो वो बच्चे भी देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि हम नीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। उससे पहले एक सवाल आता है कि आप नीट की तैयारी क्यों करना चाहते हैं या आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। जिस दिन आपको ये आंसर मिल गया कि आप क्यों नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उस दिन आपकी आधी प्रॉब्लम्स वहीं पर सॉल्व हो जाती है। कहते हैं जहाँ चाह वहीं पर राह। जिस दिन आपकी मंजिल फिक्स हो गई कि हमें डॉक्टर क्यों बनना है, तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, आप हर एक प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर लोगे और एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या कोचिंग करना कंपलसरी है। तो भाई, किसी भी बुक में ये नहीं लिखा है कि नीट एग्ज़ाम के लिए कोचिंग करना कंपलसरी है। अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्कूल टीचर की मदद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या अगर आप स्कूल पास कर चुके हैं तो अपने आसपास लोकल के भैया या जो भी आपके सीनियर जो बीटेक कर रहे हैं या जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है, बायोलॉजी अच्छी है, तो आप उनकी हेल्प लेकर भी ऑनलाइन या ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेकर भी आप नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है लैंग्वेज का दोस्तों। तो लैंग्वेज कोई भी हो, नीट एग्ज़ाम में सभी लैंग्वेज एप्लीकेबल हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या कोई भी मीडियम हो, आपको नॉलेज है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा प्रमुख मुद्दा स्टार्ट होता है कि किस बुक से प्रिपरेशन करें और कैसे करें, कैसे पढ़ें। तो भाई, अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है, मैं बोलता हूँ कि आप पहले तो कन्फ्यूज़न दूर कर दीजिए कि किस बुक से पढ़ें। मैंने हमेशा से आपसे कहा कि आप NCERT से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन गारंटेड होगा। हो सकता है कि आपको 720 में 720 ना मिले, 650, 660, 670 मिले, लेकिन वो आपको गारंटेड मिलेगा। ठीक है, सवाल आता है क्यों। तो भैया, पहले समझो कि मैं NCERT क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एक फुल फॉर्म पता है NCERT का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और ये जो बॉडी है ये गवर्नमेंट बॉडी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चीज़ों को मैनेज करती है। अब क्योंकि NTA भी गवर्नमेंट बॉडी है, MBBS आप करोगे तो वहाँ भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेंस है, तो कहीं ना कहीं जब कोई बुक या कोई पब्लिकेशन गवर्नमेंट चलाती है तो वो जो है सभी राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी आए उसके प्रस्तावों को मानती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के चक्कर में ये साथ साथ हर एक स्टेट में वैलिड है और हर एक, मतलब कहते हैं, जितनी भी सरकारी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके पीछे का कॉज क्या है, क्या आखिर NCERT ही क्यों पढ़ी जाती है? देखो, NCERT किसी पर्टिकुलर राइटर की नहीं, NCERT जो है वो हर साल इम्प्रूव होती रहती है और ऑथेंटिक नॉलेज देती है। जो नॉलेज सही है वो आपको देती है। यहाँ पर एक ग्रुप होता है टीचर्स का जो रिसर्च किया करते हैं, चाहे फिजिक्स को लेकर हो, चाहे केमिस्ट्री को लेकर हो, चाहे बायोलॉजी को लेकर हो, वो अपडेट होती रहती है। इसलिए आपको अपडेटेड NCERT पढ़नी चाहिए, जहाँ पर चीज़ें आसान भाषा में होती हैं। इससे आसान बुक अभी तक इंडिया में कोई भी लिखी नहीं गई है। आप चाहें तो फिजिक्स की SC वर्मा भी देख सकते हैं और चाहे तो ऋषि पांडे भी देख सकते हैं, लेकिन जितनी आसान शब्दों में फिजिक्स की बुक NCERT पैटर्न पे है, जो NCERT की है, उससे जो है आसान कोई बुक नहीं है। तीसरी बात, NCERT को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी फ़ीस काफ़ी कम होती है, यानी एक जो अलग बुक होगी दूसरे राइटर्स की, उसकी बुक 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये होती है। वही NCERT की बुक 90 रुपीज़, 100 रुपीज़ या 110 रुपीज़, और ये हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है। जितनी भी लैंग्वेज इंडिया में चलती हैं हर एक लैंग्वेज में NCERT अवेलेबल है, आप किसी भी लैंग्वेज में NCERT को पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सवाल ये आता है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, हम अभी 9th में हैं या 10th में हैं, फर्स्ट ईयर में या 12th में। भैया, जो बच्चे 8th to 10th हैं उनसे मैं इतना ही कहूँगा यार कि अब जो अभी आप पढ़ोगे 8th में, 9th में, फर्स्ट ईयर में, 12th में, साइंस पोर्शन ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और बेसिक मैथ्स भी आनी चाहिए।
मैं मैथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं आप फिजिक्स के कैलकुलेशन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोई डेरिवेशन कैसे बना, कोई फार्मूला कैसे बना, वो आपके समझ में नहीं आएगा और फिर आपको आगे प्रॉब्लम होगी। तो 9 to 10th के बच्चे बेसिक मैथ जो आपकी इसमें सिलेबस में है साइंस समझते चलिए, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। डेली 4 घंटे 6 घंटे पढ़ेंगे बहुत है आपके लिए, आपका इजी वे में फर्स्ट टाइम में नीट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मेन जो खेल शुरू होता है वो होता है फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर से कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सा स्टेप अपनाइएगा। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं या 12th में हैं, एनसीईआरटी की जो आपके पास बुक है, जैसे कि मेरे के पास ये है केमिस्ट्री की फर्स्ट पार्ट आप देख रहे होंगे, लास्ट में बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र परिसर, ठीक है ना। ये है केमिस्ट्री की बुक, ये पार्ट फर्स्ट है, ये फर्स्ट ईयर की पार्ट सेकंड है, ठीक है ना। ये बुक्स आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास फिजिक्स की बुक भी रखी हुई है, ठीक है ना, ये देखिए। तो इन सभी बुक्स की हेल्प से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि एनसीईआरटी की बुक्स को लेने के साथ में आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए कि आप कितने घंटे पढ़ेंगे। देखिए नीट बलिदान मांगता है, अगर आप बलिदान दे पाएंगे तो आप डॉक्टर बन पाएंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन पढ़ते चले जाइए, आपका एक भी लाइन मिस नहीं होना चाहिए। समझ में आए या ना, कोई भी चीज़ फर्स्ट अटैम्प्ट में समझ में नहीं आती है, चीज़ें नहीं होती हैं, समय लगता है, लेकिन जब बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हैं तो आपको लाइफ टाइम आपकी हेल्प करता है। तो सबसे पहले लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना है, ठीक है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की अपडेटेड वर्जन, ठीक है ना। सिलेबस आप कोई भी पढ़िए लेकिन बुक जो हो वो अपडेटेड हो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सेकंड टाइम जब पढ़ें रिपीट करें तो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है। भाई एक बार जब आप पढ़ लोगे तो आपको कहीं ना कहीं बेसिक आइडिया हो जाएगा किस बुक में क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक कौन से राइटर इंपॉर्टेंट है। भाई जब आप कोई चीज़ पढ़ोगे थीसिस आएगी, फार्मूला आएगा, राइटर आएंगे, कोई कोई सिद्धांत आएगा, तो उन चीज़ों को आप मार्क कर, चलो सेकेंड टाइम में उन सभी को नोट्स को जो है मार्क कर लेना है, समझना है। थर्ड टाइम फिर आपको पढ़ना है, वहाँ पर जो चीज़ें आपने बुझे हर बुक में सब तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ एक बेसिक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप एंड टू लास्ट तक सब कुछ पढ़ोगे, प्रेफरेंस पढ़ोगे, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अच्छे से एक शॉर्ट नोट्स बना लो, वो आपको रिविज़न में काफ़ी हेल्प करेंगी। फोर्थ क्या होता है कि जब आपके एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम में आपने लाइन बाई लाइन पढ़ लिया, सेकंड में बेसिक हाईलाइट के लिए, थर्ड में आपने नोट्स बना लिया, फोर्थ में आपको एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर से नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ये बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट ईयर की, ऐसे ही सेकेंड ईयर में पढ़ लीजिएगा। इससे एक चीज़ होगा कि आपके बोर्ड के 90+ स्कोर सिक्योर हो जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। फिर बोर्ड और नीट एग्ज़ाम के बीच में मिनिमम 2 to 3 month का टाइम होता है। बोर्ड आपका फरवरी मार्च में होता है और जो नीट एग्ज़ाम है वो आपका मई या जून में होता है। इन बचे हुए 60 से 70 दिनों में आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो चीज़ आप पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज करना है। ये बेसिक सिंपल सा स्टेप है। अगर आप फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अटैम्प में एक MBBS डॉक्टर बनना चाहते हो या नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर आप BDS, BMS, BHMS, BUMS, BSMS या फिर वेटनरी साइंसेज जो भी कोर्स करना चाहते हो सब कोर्स आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में मिल जाएगा। अब अगर आप कंफ्यूज होना चाहते हो कि भैया ये बुक की वो बुक, ये चैनल की वो चैनल, तो भैया वो आपके ऊपर है। मैंने आपको सबसे आसान सबसे सिंपल रास्ता बता दिया है, कहते हैं मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, ठीक है ना। तो इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन ना करके एक सिंपल सिद्धांत बनाइए, भैया हमें MBBS चाहिए और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और कितना भी पढ़ सकते हैं। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप फॉलो करेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका MBBS आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।